नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अनियोजित भवन निर्माण और अत्यधिक खनन पर रोक लगाए सरकार, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सरकार को अनियोजित भवन निर्माण और अत्यधिक खनन पर रोक लगाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे दो पत्रों में राज्यपाल ने आपदा के इन दो बड़े कारणों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही भी मांगी है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि हाल ही में राज्य में हुई अतिवृष्टि से जानमाल के भारी नुकसान का एक संभावित कारण पहाड़ों पर और नदियों के किनारे नियम दरकिनार कर भवन निर्माण और अवैध खनन भी हो सकता है। सरकार भवन निर्माण की अनुमति नियमानुसार देती है, लेकिन नियमों के अनुसार लोग भवन निर्माण नहीं करते हैं। उपभोक्ताओं को राहत, हिमाचल में इस माह ले सकेंगे अगस्त का राशन। कोटा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जो लोग अगस्त महीने में डिपो से सस्ता राशन नहीं ले पाए हैं, वो सितंबर के कोटे के साथ इसे ले सकेंगे। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित व जनजातीय क्षेत्र में लोगों ने सस्ता नहीं लिया है, वो अब राशन लैप्स नहीं माना जाएगा। हिमाचल में 20% ऐसे उपभोक्ता हैं जो खराब मौसम की वजह से डिपो नहीं पहुंच पाए हैं। हिमाचल में बढ़ा जल जनित बीमारियों का खतरा, हमीरपुर में आए डायरिया के 160 मामले। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। जल जनित बीमारियों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने अपने बयान में कहा कि राज्य में हुई लगातार बारिश से आई बाढ़ के कारण जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नई चुनौती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में आई फ्लू के 2740 मामले, डायरिया के 322 मामले, तेज बुखार टाइफाइड के 59 मामले, बुखार या स्क्रब टाइफस के 34 मामले और पीलिया के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले में डायरिया के 160 मामले सामने आए हैं। राज्य में सबसे घातक जल जनित बीमारी स्क्रब टाइफस है, जो 34 रोगियों में पाई गई है और प्रमुख अस्पतालों में कई और मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। शिक्षा कार्टून के माध्यम से विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। प्रदेश के 404 स्कूलों में अब विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई कार्टून के माध्यम से होगी। समग्र शिक्षा के तहत संपर्क फाउंडेशन ने हमीरपुर, शिमला और सोलन के स्कूली विद्यार्थियों के लिए टीवी डिवाइस तैयार की है। इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा तक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय कार्टून के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को 3 विषयों को समझने में आसानी होगी और उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसके लिए 3 जिले चुने हैं। हमीरपुर जिले में 147, शिमला में 208 और सोलन में 49 चिन्हित स्कूलों को टीवी डिवाइस किट प्रदान कर दी गई है। पहले ट्रायल के तौर पर फाउंडेशन ने डिवाइस में केवल विज्ञान विषय ही डाला था, लेकिन अब अंग्रेजी और गणित विषय भी शामिल किए हैं। 3 जिलों में ट्रायल सफल होने के बाद फाउंडेशन अन्य जिलों में भी स्कूलों को टीवी डिवाइस उपलब्ध कराएगी। भानुपल्ली में रेल जंक्शन 20 किलोमीटर ट्रैक का 1.5 माह में होगा टेंडर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल लाइन के एकमात्र जंक्शन भानुपल्ली और 20 किलोमीटर रेल ट्रैक के लिए रेल विकास निगम अगले 1.5 माह में टेंडर जारी करेगा। टेंडर जारी करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उपयोग में आने वाली सामग्री के दामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टेंडर जारी होने के बाद जिस भी एजेंसी को टेंडर मिलेगा, वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जनवरी 2024 में जंक्शन और ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू कर देगी। खास बात यह है कि भानुपल्ली बिलासपुर बैर रेल लाइन का भानुपल्ली में एकमात्र जंक्शन होगा, ये 8 लाइन का होगा। हिमाचल के 4.06 लाख खाता धारक दुर्घटना बीमा लाभ से बाहर, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के 4.06 लाख बैंक खाता धारक 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर से बाहर हो गए हैं। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जारी हुए रुपए कार्ड का इन खाताधारकों ने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। योजना में स्पष्ट है कि खाताधारक रुपए कार्ड एक बार भी इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में 12 लाख रुपए कार्ड में से 8 लाख ही सक्रिय है। इन 8 लाख उपभोक्ताओं को लाभ लेना है तो रुपए कार्ड एक्टिव करना होगा। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्र ने ये खाते खुलवाए थे, लेकिन सहकारी बैंकों के 13.99 व निजी के 25.14% खाते 0 बैलेंस हैं।
सीएम के खराब स्वास्थ्य के अफवाह फैलाने पर पुलिस में शिकायत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खराब स्वास्थ्य और इलाज के लिए विदेश जाने की अफवाह फैलाने वाले शिमला पुलिस ने शिकायत दर्ज करी है। छात्रों ने यह भी तय कर दिया कि कार्यकारी सीएम कौन बनेगा। एक कथित कांग्रेस प्रवक्ता की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट को आधार बनाकर जनता को गुमराह करने का काम किया। इस प्रकरण के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, उसे पकड़ने का जिम्मा शिमला पुलिस को दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव बलदेव ठाकुर ने पुलिस को शिकायत दी है। बलदेव ठाकुर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व मुख्यमंत्री सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। रॉयल की धमाकेदार एंट्री, ट्रैके बागवान 170 रुपए किलो मिले दाम। जनजातीय जिला किन्नौर के निचले क्षेत्रों में सेब सीजन शुरू हो गया है। इस वर्ष टापरी उपमंडी में सेब प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिससे बागवान खुश है। टापरी मंडी में रॉयल किस्म के सेब ने धमाकेदार एंट्री की है। मंडी में रॉयल किस्म के 1 किलो सेब को 170 रुपए दाम मिले हैं। चौके दाम मिलने से बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गौर हो कि जिले के निचले क्षेत्रों में अब सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। टापरी मंडी में अच्छी गुणवत्ता वाले सेब को 120 से लेकर 170 रुपए प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं। वहीं 20, 35 और 40 रुपए प्रति किलो बी ग्रेड का सेब बिक रहा है। जिले के निचले सेब बहुल क्षेत्रों में 25 अगस्त से अब तक सेब की करीब 9,007 पेटियां टापरी मंडी में पहुंच चुकी हैं। हिमाचल में अब तक 393 लोगों की मौत, 205 सड़कें यातायात के लिए बंद। अगस्त माह में प्रदेश में सामान्य से 4% कम वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में सामान्य तौर पर 256.8 मिलीमीटर की अपेक्षा 247.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बिलासपुर में सामान्य से 89% अधिक, मंडी में 72, सोलन में 62, हमीरपुर में 61%, शिमला में 29 और कांगड़ा में सामान्य से 14% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जबकि लाहौल स्पीति में सामान्य से 96% कम, किन्नौर में सामान्य से 58%, सिरमौर व चंबा में सामान्य से 39% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 3 दिनों तक मौसम के साफ रहने और धूप के खिलने का अनुमान है।